चीजों को ग्रेसफुली एक्सेप्ट कर लेना। ग्रेसफुली का मतलब है खप रौला पाया बगैर, सड़े कोड़े बगैर, जो हो गया उसको एक्सेप्ट कर लेना है, जो होने जा रहा है उसको जरा वक्त से पहले ही एक्सेप्ट कर लेना है। बुढ़ापा किसी पे अचानक आता है, वो डिनाइल में रहता है काफी अरसा, और फिर यकदम कोई सड़क पे जाते जाते आपको कहता है बाबा जी पासे होना जरा, कोई अंकल कह देता है, कोई कुछ इस तरह की बात करते हैं, तो फिर उससे डिनाइल ब्रेक होता है। वरना बंदा अपनी तरफ से सोच रहा होता है कि वो अभी जवानी है। जो सियाने होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो दे थिंक अहेड, वो पहले से सोचते हैं कि ये होना है, और वो उसके लिए अपने आप को तैयार करते हैं। हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं ना, हम बेहतर कर सकते हैं ना। अगर हम देखते हैं कि दूसरे लोग जब बुढ़ापे को पहुंचते हैं तो उनके साथ नामुनासिब सलूक होता है, तो हम तैयारी कर सकते हैं कि हमारे साथ नामुनासिब सलूक ना हो। आप किसी को अखराजात दे सकते हैं कंफर्टेबल जिंदगी गुजारने के लिए, लेकिन अपनी प्रॉपर्टी, अपना कुल पैसा ये कभी भी किसी को ना दें, क्योंकि शुरू में दो चार दिन जिसको ये चीजें मिलेंगी वो खुश रहेगा, उसके बाद उसकी खुशी छुमंतर हो जाएगी। वालदैन अगर लापरवाही करें और उनके साथ बदसलूकी हो, फिर वो जाके दुनिया को कहानियां सुनाएं, तो इससे कहीं बेहतर है कि वो प्रिपेयर करें अपने आप को बुढ़ापे के लिए। कुछ ना कुछ प्रेपरेशन से चीजें अच्छी हो सकती हैं, कुछ नहीं भी हो सकती, बट लक फेवर्स दी प्रिपेयर्ड माइंड। तो जिंदगी को अगर इस असूल के मुताबिक जिए, जिसे कहते हैं कि प्रोएक्टिव होना, पहले से सोच रखना कि ये ऐसा होगा, पहले से जान लेना कि ऐसा हो सकता है। शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मोजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।